तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हम लोगों ने ओम्स लॉ डिस्कस किए थे, राइट। तो ओम्स लॉ वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, दैट इज वी इक्वल टू आई आर। तो वहां से आर के रेजिस्टेंस था, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। उस रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के बारे में आज हमें डिस्कशन करना है। कल हम लोगों ने उसमें नहीं बॉदर किए थे, राइट। बेसिकली दैट इज कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, एंड दैट proportionality constant is called the resistance of the conductor. So what is basically that is resistance? It is defined as the ratio of the potential difference across its ends to the resultant current through the conductor. किसी भी conductor में current कितना flow हो रहा है और उसके across potential difference कितना है, उसके दोनों के ratio को electric resistance हम कहते हैं। Right, basically it is a potential difference upon V upon I, right? इसको आप ये भी कह सकते हो कि वो resistance का मतलब है कि obstacle किसी के charge में obstacle कितना provide कर लिया। मान लीजिए कि एक current कह रहे हैं कि flow of charge को per second या per unit time, so that is called electric current. तो जो यहाँ पर सॉलिड्स में या कंडक्टर्स में जो इलेक्ट्रॉन्स है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब हम उसको रूम टेम्परेचर पे, इवन फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर्स में अवेलेबल होते हैं, इसको हमने अगर पावर सप्लाई से कनेक्ट किया, दैट मीन्स उसको हमने एनर्जी प्रोवाइड किया, पोटेंशियल प्रोवाइड किया इस कंडक्टर के क्रॉस, तो ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रोपेगेट होंगे। अब इस प्रोपेगेशन में इनके बीच में कोई ना कोई रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस मतलब कोई ऑब्स्टिकल है, रुकावट है उस पे, एंड दैट इंट्रिंसिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, राइट। तो आप मैथमेटिकली बता सकते हो कि पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करेंट। बहुत ही फास्ट इसका हम फॉर्मुलेशन डिस्कस कर लिए, इसका यूनिट और डायमेंशन फॉर्मूला बॉर्डर कर लेते हैं। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपको यूनिट है work done per unit charge, that is electric potential, and that is measured in joule per coulomb, that is also called volt. So potential का जो unit है वो volt है, और current है that is fundamental physical quantity, and that is measured in ampere. So resistance का जो unit हुआ that is volt per ampere, and that volt per ampere is called ohm. ये ohm का symbol है, कैपिटल ओमेगा, एंड दैट इज कॉल्ड ओम। ये लिखा है ओम, दैट इज द बेसिक यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। अब यहाँ पर हम इसी फिजिकल क्वांटिटी को, अगर आपसे पूछ लिया है कि वन एम्पियर, वन वोल्ट, वन ओम क्या होगा, तो उसका डेफिनेशन हम किस तरह से मैंने आपको समझाया था कि कोई भी इस तरह का डेफिनेशन है बहुत ही इजिली आप डिफाइन कर सकते हैं उन पैरामीटर के बेसिस पे। तो यहाँ पर हम डिफाइन करते हैं रेजिस्टेंस को। रेजिस्टेंस को हमें वन यूनिट, वन ओम डिफाइन करना है। तो व्हाट इज वन ओम? अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस वन ओम है, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन ओम रेजिस्टेंस? यहाँ पर डिस्कस करते हैं। अ कंडक्टर इज सेड टू हैव अ रेजिस्टेंस ऑफ वन ओम। किसी भी कंडक्टर में जो रेजिस्टेंस होगी दैट विल बी वन ओम if a potential difference of 1 volt across its ends causes a current of 1 ampere to flow through it. जो कंडक्टर था, जो कंडक्टर के क्रॉस में हमने पावर सप्लाई उसको दिया, एनर्जी प्रोवाइड किए, ये याद रखिएगा कि ये पॉजिटिव होता है, अगर बड़ी सी हमने लाइन बना दी है, और ये नेगेटिव, ये आप लोग को मालूम है। तो यहाँ पर जब पोटेंशियल हमने प्रोवाइड किया, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड की, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसमें जो फ्री चार्ज था, उस चार्ज में अगर वो जो चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर वो एक सेकंड में एक कूलम चार्ज फ्लो कर जाएगा तो करंट वन एम्पियर हो जाएगा, राइट। तो अगर इसके क्रॉस हमने वन वोल्ट पोटेंशियल अप्लाई कर दिया कंडक्टर के क्रॉस, अगर करंट भी 1 एम्पियर हो जाए, देन द रेजिस्टेंस विल बी 1 ओम। सिंपल, 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर, दैट इज 1 ओम, राइट। तो इसमें एक चीज रह गया, आप लोग बहुत ही फास्ट इसका कैलकुलेट कीजिए, डायमेंशनल फॉर्मूला।
हमने डेफिनेशन डिस्कस कर लिए, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन डिस्कस कर लिए, यूनिट भी हो गया और उस यूनिट का डेफिनेशन भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने से पहले आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट कर लीजिए, आपको मालूम है, जल्दी कैलकुलेट करके।